सलम मेरी है, वहाँ पर डबल बेडरूम बनाया जाएगा। लोग जब इस बात पर यकीन नहीं किए, महाराज हमारे आनेबल सीएम साहब ने इसको अमली जामा पहला कर ये बात बता दिया कि तेलंगाना का हर आदमी खुशहाल जिंदगी गुजारेगा और अच्छी जिंदगी गुजारेगा। और हमारे आनेबल मिनिस्टर के टी रामाराव साहब एक नौजवान कायद है जिन्होंने तेलंगाना के अंदर जिस तेजी से हर छोटे हयात में तरक्की की तरफ तवज्जो दी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इस जियागुड़ा में जो डबल बेडरूम मकान बनाए गए, यकीनन ये देखकर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसे मकान नहीं बने। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना मूवमेंट के बाद भी इस तेलंगाना को जिस तरह तरक्की दिखाया उसकी मिसाल भी हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आज जियागुड़ा के मैं तमाम भाइयों को जो इस एरिया में रहते थे, सलम एरिया में रहते थे, बड़ी तकलीफ में रहते थे, उनके लिए हमारे आनेबल मिनिस्टर साहब ने डबल बेडरूम बनाने की जो कोशिश की उसको अमली जामा फैलाने के लिए हमारे नौजवान कायद के टी रामाराव साहब ने अमलावरी से इसे आज हमारे यहाँ के जियागुड़ा के उन लोगों ने जो सलम एरिया में रहते थे आज उनके लिए डबल बेडरूम बनाए गए उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। फिलहाल हमारे आनेबल सीएम साहब का जो टारगेट है उसे पूरा किया जाएगा और सारे हैदराबाद में जहाँ जहाँ पर सलम एरिया है वहाँ पर लोगों से यही गुजारिश की जा रही है आप गवर्नमेंट को हवाले कीजिए, वहाँ पर डबल बेडरूम बनाकर दिया जाएगा। डबल बेडरूम ये आसान काम नहीं है, ये बहुत अहम काम है। सीएम साहब ने उसे अमली जामा पहनाया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये डबल बेडरूम जो बनाए गए ये मकानात की कीमत हुकूमत के तरफ से जो खर्चा आ रहा है ये तकरीबन 9 लाख रुपए आ रहा है और मार्केट में देखा जाए तो बार बार ऐसे एरिए जहाँ पर 50-50 लाख में भी ये डबल बेडरूम नहीं मिल सकते। इसलिए मैं आनेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के जो लोगों को डबल बेडरूम मिल रहे हैं उन्हें भी दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जो माँ बाप के लोग हैं जिन लोगों के मकान पर ये डबल बेडरूम छोड़कर बनाए गए थे उन्हें हवाले किए जा रहे हैं और उसके बाद जो बचे हुए डबल बेडरूम है वो भी सेकेंड फेज में दिए जाएंगे। सीएम साहब आगे भी इसको इसी हिम्मत रखने के तहत तमाम गरीब भाइयों को अच्छी जिंदगी गुजारने का एक मौका दे रहा है उसके लिए मैं आनेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नौजवान कायद तो आज अल्लाह के फजल करम से हर जगह